जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो अरूज पे चल रहा है और ज़ोरों शोरों से शायकीन इसको देख रहे हैं, और मेलबोर्न की और हॉबर्ट की और सिडनी की और सारी ग्राउंड टोटली करोड़ से फुल होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी हुआ, जो कि करोड़ काफ़ी ज़्यादा फुल था, बल्कि स्टेडियम में बैठने की जगह ही नहीं थी। तकरीबन 1 लाख जो है अफराद बैठ सकते थे और वो फुल थी, बिल्कुल फुल थी। लेकिन इसमें अफसोस ये हुआ कि आईसीसी भी बिकी हुई थी, जैसा ही जो कि आपने भी सबने देखा कि नो बॉल पे अंपायर ने क्या रिएक्शन दिया और उसके बाद गलत रन दिए गए। ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये इंडिया को विन करवाने वाली बात है, लेकिन होता वही है जिसको अल्लाह पाक ने इज्जत देनी हो, चाहे जैसा मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। अगर हम हार रहे हैं, हम हार के बाहर निकलेंगे तो हम डेफिनेटली निकलेंगे, इसमें किसी कोई रिकावट नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम जीते तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम जीत के खुद विन करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में भी काफ़ी मैच जो है, कल भी और आज भी मैचेस चल रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि नीदरलैंड का मैच बांग्लादेश के साथ था। काफ़ी टफ टाइम दिया उन्होंने बांग्लादेश को, बांग्लादेश हारते हारते बचा और जीता है मैच नीदरलैंड से सिर्फ 10 रन से मेरा ख्याल है। और उसके बाद जिम्बाब्वे और अफ्रीका, जो कि बारिश होने की वजह से एक एक पॉइंट दोनों को मिल गया। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विनिंग चांस ज़्यादा हैं, लेकिन होप्स हो कि इंशाल्लाह जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा, चाहे वो पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, बांग्लादेश है, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा इंशाल्लाह। और आगे भी मैचेस काफ़ी चल रहे हैं, मैचेस जो है सारे लाइव देख रहे हैं। आप भी बताएं मेरे कमेंट्स में कि कौन कौन मैच देख रहा है और किस टीम को सपोर्ट कर रहा है। और इंशाल्लाह मैं तो सबसे ज़्यादा जो है ना, फेवरेट मेरा जो है इस टाइम पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान ना जीत सका इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन उसके बाद भी टीम जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो अफ्रीका या न्यूजीलैंड है। बाकी इंशाल्लाह जो जीतेगा वो अपनी मेहनत से जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखे, मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और एक कप हम लेके आएंगे। लेकिन सब टीमें अपने जो है मुल्क से खेलने के निकली हैं, जीतने के अज़म से निकली हैं, और इंशाल्लाह हमारा भी अज़म है, हम कप लेके इंशाल्लाह आएंगे वर्ल्ड कप। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गुआ हैं कि अल्लाह कामयाब करे, सुरखुरु करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके कारोबार में बरकतें दें इंशाल्लाह। डिज़ाइनिंग में आपके साथ साथ शेयर करता रहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिज़ाइन भी अपने शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।